आज ऑडियो थोड़ा सा खराब है आई डोंट हैव माइक हैथ मी सो दैट्स वाई सो आई मैं घर से काम कर रहा हूँ माइक ऑफिस में है सो आई वॉज नॉट वेल दैट्स वाई नॉट एबल टू मेक वीडियोज फॉर लास्ट टू डेज बट अभी ठीक थी, हो, हो, हो गया हो आई थिंक कल से नॉर्मल हो जाएंगी चीजें एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आज की वो ये है इलेक्शन रिजल्ट तो इलेक्शन रिजल्ट आ चुके हैं तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट पे बिकॉज मार्केट ने यह एक्सपेक्ट किया था क्या सो so, मुझे तो लगता है इस तरीके की डिफीट बीजेपी की मार्केट ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी सो ऑब्वियसली इन शॉर्ट टर्म दीज थिंग मैटर टू द मार्केट सो मार्केट ये चीजों का या फिर सो कॉल्ड ऑपरेटर्स स्पेक्यूलेटर्स आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और उसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा लाल रंग का uh, स्वाद चखाया जा सकता है सो वी के नॉट डिनाय दैट दूसरी बात यह भी है कि मार्केट यह भी परसेप्शन बना सकता है कि भाई कोविड का ये जो सेकंड वेव है इस सेकंड वेव को द वे सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैंडलिंग सो वो शायद उसका एक छोटा सा मैंडेट वेस्ट बंगाल की जनता ने देने की कोशिश की है स्पेसिफिकली लास्ट के जो तीन फेजेस थे उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं सो दैट मार्केट कुड से दैट सो उस हिसाब से थोड़ा बहुत लाल रंग मार्केट में हो सकता है वन मोर थिंग रेस्ट्रिक्शंस uh, जो है कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस अगर आप देखोगे सो तो अभी पॉलिटिकल कमिटमेंट सो कॉल्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स खत्म हो चुकी है पॉलिटिकल uh, पार्टीज की तो अब यहाँ पे एग्रेसिवली रेस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन लग सकते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल मंथ तो यहाँ पे अच्छा खासा वैक्सीन का सप्लाई भी आ सकता है फ्रॉम फॉरिन मार्केट्स प्लस हमारा भी मतलब इंडिया का जो प्रोडक्शन uh, है उसको भी uh, थोड़ा सा स्केल अप करने की कोशिश हो रही है तो उस साइड से थिंग्स uh, आर uh, मतलब एग्रेसिवली चीजें हो रही है सो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और उसके लिए टिल दैट टाइम ये नंबर एटलीस्ट प्लाटू तो होना चाहिए डिक्लाइन ट्रेंड में जाना चाहिए इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया लग सकते हैं आई एम नॉट सजेस्टिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा बट स्टेट गवर्नमेंट गोइंग टू एक्ट लिटिल टफ ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट विल नॉट लाइक दिस थिंग्स इन दैट्स वाई जो हमने बात की थी फ्रॉम दी फिफ्टी टू वीक हाई और ऑल टाइम हाई द मार्केट कुड करेक्ट बिटवीन टू फिफ्टीन परसेंट काइंड ऑफ थिंग सो वो चीज यहाँ पे हो सकती है सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट हा बट अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग लास्ट मार्च की तरह यह चीजें नहीं होंगी द वे वी हैव सीन करेक्शन फोर्टी परसेंट का करेक्शन आई रियली डाउट दैट इज हैपनिंग बट वट आर वी आर लुकिंग एट इफ यू लुक एट दी जी एस टी डेटा है इज गोइंग टू बी अ टफर मन बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इन लॉकडाउन कलेक्शन नीचे आ सकता है बट स्टिल जो हमने बातें की थी जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था तब ये बातें हुई थी कि वन पॉइंट फाइव लाख करोड़ रुपीज तक जीएसटी का कलेक्शन जा सकता है आने वाले एक सौ दो या तीन सालों में वो चीज अभी uh, फ्रुक्टिफाई होती हुई नजर आ रही है सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रंट प्लीज डोंट गो इनटू पॉलिटिक्स ओवर हियर दिस इज अ पॉजिटिव नंबर गवर्नमेंट किसी की भी रहे आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा ये एक हो गया और Q4 FY21 एफ ट्वेंटी वन के अगर रिजल्ट आप लोग देख रहे हो तो वो रिजल्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहे लास्ट ईयर का जो Q4 था वहां बेस इफेक्ट भी को बहुत कम था uh, तो वो पर्टिकुलर क्वार्टर यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा विद पर्टिकुलर क्वार्टर एंड Q1 FY21 तो इवन वर्स था

आई अंडरस्टैंड शॉर्ट टर्म में धिस पर्टिकुलर न्यूज इज गोइंग टू बी कुड बी निगेटिव फॉर द मार्केट बट आई थिंक डेमोक्रेसी अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट और वट एवर इज हैपनिंग एंड नॉर्मली लॉन्ग टर्म में इफ डेमोक्रेसी विल बी क्वाइट स्ट्रेंग स्ट्रांग एंड हेल्थी

तो so, इसीलिए रेड ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है टू बिल्ड योर पोर्टफोलियोज कौन से पोर्टफोलियो होने चाहिए स्टॉक्स कौन से होने चाहिए एलोकेशन से कितने में क्या एलोकेशन होना चाहिए ये सारी चीजें चीजें जानकारी अगर आपको चाहिए तो इन्वेस्टर ने डॉट इन को विजिट कीजिए और वहां जाके हमारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा आई थिंक इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू इन ओवरऑल योर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जर्नी तो इन्वेस्ट एजना डॉट इन को विजिट करना मत भूलेगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद